ये देखिए यहाँ पे जो है, फिर आम की पैकिंग, ये आम देखिए, सेब है, ये यहाँ पे पपीता है, पपीता देखिए, ये देखिए अमरूद है, ये अमरूद क्या भाव है किलो का? तकरीबन एक ही अमरूद होगा। ये यहाँ पे चीकू है, ये एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, चार ट्रक, पांच ट्रक, जितने भी छोटे जो है टेम्पो लगे सब अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये सारे अभी ऐसे जैसे ये रिक्शा लोड हो रखी है ना, ऐसे ही सब लोड होके सब यहाँ से निकलने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी मंडी है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम आए हैं भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी आजादपुर मंडी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे चीकू है, चीकू का क्या रेट है? चीकू है ये 400 रुपए का। 400 रुपए कितना? 10 किलो। 400 रुपए का 10 किलो? हाँ जी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बड़ा चीकू है, 400 रुपए का 10 किलो। आम क्या भाव है? आम क्या 750 का? कितना? 750 रुपए का 15 किलो आम। और ये काला अंगूर भी है, काला अंगूर क्या रेट है? 800 रुपए का 10 किलो है। ये देखिए आप, खरबूजे क्या भाव है? खरबूजे 800 रुपए। 800 रुपए कितना? एक पल्ला 800 रुपए। 20 किलो वजन होता है, 20 किलो वजन होता है इसमें एक पल्ले में। हाँ जी। और कितने का ये? 800 रुपए का। 800 रुपए का। संतरे क्या भाव है? कौन सा जी? ये वाला, ये 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो? हाँ जी 90 रुपए। ये यहाँ पे पपीता है, पपीता देखते हैं, पपीता क्या भाव है भैया? पपीता भैया ले लो 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो पपीता है ये जी, देख लीजिए। ये लोहा काट है, लोहा काट है नहीं, लोहा काट है। क्या भाव है? 550 रुपए। कितना? एक पूरा डब्बा। एक पूरा डब्बा? इस डब्बे में कितना वजन है? 10 किलो। ये एक डब्बे में 10 किलो वजन है, कितने का है? 550 रुपए का जो ये लोहा काट है। ये देखिए अमरूद है, ये अमरूद क्या भाव है? 75 रुपए। 75 रुपए कितना? 75 रुपए किलो। ये जी देखिए कितना बड़ा, एक किलो का तकरीबन एक ही अमरूद होगा, 75 रुपए की एक किलो रेट है अमरूद का। ये देखिए कहाँ से आते हैं ये अमरूद? एमपी से आते हैं ये अमरूद। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये आड़ू, आड़ू क्या भाव है? 800 रुपए। कितना? 800 रुपए का डब्बा है, डब्बे में कितने हैं? 7.5 किलो है। तो ये आपको मिलेंगे तकरीबन 100 रुपए किलो। तकरीबन 100 रुपए किलो का रेट है। ये देखिए चारों तरफ जो है अभी खरबूजे हैं, यहाँ खरबूजे का जो है सीजन आ चुका है। आइए आगे देखते हैं, अंगूर, ये अंगूर का क्या भाव है? ये अंगूर 1100 रुपए का। बोलो दोनों तो। ये देखिए जो 1100 रुपए का है 10 किलो, तो ये 110 रुपए किलो जो है रेट है जी इस अंगूर का। बहुत ही बड़ा दाना है। ये देखिए, ये देखिए सेब है, यहाँ क्या भाव है सेब का? कितना? 1400। 1400 रुपए का डब्बा, ये डब्बे में है तकरीबन 10 किलो सेब।
140 रुपए किलो पड़ेगा। ये 140 रुपए किलो आपको सेब पड़ेगा। ये आम क्या भाव है? एक हजार पचास रुपए का 10 किलो। 10 किलो 10 किलो आम 1050 रुपए का। ये देखिए चारों तरफ जो है फल ही फल है। आइए आगे पता करते हैं कौन कौन सी जो है फल अभी किस रेट में मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ अनार है। अनार का रेट पता करते हैं। अनार क्या भाव है? अनार ये वाला 1250 रुपए का 10 किलो। ये देखिए जी 1250 रुपए का 10 किलो अनार है। ये 1100 रुपए का है। ये 1050 रुपए का है। ये देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलो कीवी का रेट पता करते हैं। कीवी क्या रेट है? 900 रुपए का। 900 कितना है? एक डब्बे में कितने हैं? 30 पीस। कितना वजन होगा एक डब्बे का? 3 किलो। अच्छा ये तकरीबन 3 किलो जो है इसमें वजन है। 30 पीस है और ये 900 रुपए का, तो आपको ये तकरीबन एक पीस 30 रुपए का पड़ेगा कीवी का। ये देखिए ये देखिए तरबूज है यहाँ। ये तरबूज क्या रेट है? 22 रुपए किलो। 22 रुपए किलो का ये जो है तरबूज है। और ये क्या रेट है? 450 रुपए का 10 किलो। 450 रुपए का 10 किलो। इसका क्या नाम है? मैं नाम क्या इसका? खरबूजा। बोभी खरबूजा। बोभी खरबूजा। ये देखिए बोभी खरबूजा 450 रुपए का 10 किलो। ये देख सकते हैं आप, ये जितनी भी सब पेटियां जो है सेब से भरी हुई है। ये सेब जो है सारा हिमाचल से जो है यहाँ पे आता है। ये देखिए आप। और ये क्या है? ये भी सब सेब भरा हुआ है यहाँ। देख सकते हैं आप कितना सेब है यहाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हर तरह का जो है आपको फ्रूट एक ही जगह पे जो है मिल सकता है। आप कभी भी आ सकते हैं और आसानी से यहाँ पे किलो के हिसाब से भी आप ज़्यादा या किलो के हिसाब से सब सामान सारे फ्रूट जो है खरीद सकते हैं। रेट में से ही मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो है ट्रक से अंगूर उतर रहा है। पूरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये अंगूर जो है नासिक से आया है यहाँ। ये देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों आप। ये हर सुबह का जो है यहाँ पे ऐसा ही नज़ारा होता है। इतनी भीड़ होती है आप देख सकते हैं। और ये आप जगह देख रहे हैं, ये जितने भी आम की पेटियां हैं ये ट्रक में से उतारा जाता है खुला आम, और यहाँ पे जो है पेटियों में पैक किया जाता है और फिर ये जो है मार्केटों में सप्लाई किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं सेब की जो है यहाँ पे पैकिंग हो रही है। ये देखिए और ये आप देख सकते हैं व्यापारी यहाँ से फ्रूट जो है खरीदा है और इस टेम्पो में भर के जो है लेके जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए एक और जो है यहाँ पे रिक्शा भरी खड़ी है। यहाँ पे पता नहीं हजारों किलो, मैं तो किलो नहीं टन बोलूँगा, टन के हिसाब से फ्रूट जो है यहाँ आता है और रोज कहीं ना कहीं इस दिल्ली शहर में गायब हो जाता है।
बिक जाता है मेरा मतलब है। और जो हम शॉपिंग मॉल से जो है हम अपना सामान खरीदते हैं वो सब यहीं से, सारा एक्सपोर्ट यहीं से होता है। ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, देखिए आप। और ये देखिए कि हर जो है फ्रूट का एक अलग अलग डिपार्टमेंट जो है बना रखा है। ये देखिए यहाँ पे सब मौसमी है, आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्टोर है और ये सब यहाँ पे जो है मौसमी भरी पड़ी है। चलिए चलते हैं। ये देखिए ये है मौसमी, ये देखिए सिर्फ मौसमी मौसमी यहाँ पे मिलेगी, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको इस डिपार्टमेंट में सिर्फ तरबूज और सर्दा मिलेगा। ये देखिए काट के करो, ये देखिए थोड़ा बहुत देगा कि नहीं। ये देखिए तरबूज को पैक करते हुए यहाँ, ये देखिए ट्रकों की जो है लाइन लगी हुई है।